हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक एंड वेलकम टू आवर चैनल स्टडी क्लास। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है कि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आपने जिस डीएलएड कॉलेज में एडमिशन लिया है, आपने अभी जस्ट एडमिशन लिया है या लेने की सोच रहे हो, या फिर आप फर्स्ट ईयर में जस्ट एडमिशन एग्जाम दे चुके हो, तो आपका कॉलेज जो डीएलएड है वो मान्यता प्राप्त है कि नहीं, एमपी गवर्नमेंट से वैलिड है कि नहीं, कहीं फर्जी कॉलेज तो नहीं है, एजेंट ने आपसे पैसे तो नहीं लूट लिए, तो आपका कॉलेज वैलिड है कि नहीं, आपका डिप्लोमा वैलिड रहेगा कि नहीं, वो जानना है। तो कैसे चेक करना है खुद से मैं आपको बता देता हूं, वीडियो पूरा एंड तक देखोगे स्टेप बाय स्टेप तो पूरा समझ में आ जाएगा, खुद से चेक कर सकते हो। किसी के बहकावे में मत आना, किसी के झूठ बोलने पे आपको समझ नहीं आएगा, पूरे एमपी गवर्नमेंट की वेबसाइट पे दिखा दूंगा कैसे चेक होता है। तो सबसे पहले करना क्या है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद स्टेप आगे बढ़ेगी। तो स्टेप वन सब्सक्राइब द चैनल, स्टेप टू कि भाई बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखो, और स्टेप थ्री गूगल ओपन कर लो। ठीक है, तो गूगल ओपन कर लो और गूगल में भाई आपको सर्च करना है कि आपको डालना है एमपीबीएसई। ठीक है, mpbse.nic.in मैंने सर्च किया था पहले भी तो आ गया, अब mpbse.nic.in सर्च करो तो ऐसा आपको आइकॉन बार आ जाएगा। तो यहां पर आएंगे, सबसे पहले आपको ये एमपी बोर्ड दिखेगा, उस पर क्लिक कर देना। ठीक है, जैसे एमपी बोर्ड पर क्लिक करोगे आपको एमपी डीएलएड की, यहां पर एमपी गवर्नमेंट की पूरी ऑफिशियल वेबसाइट दिख जाएगी, यहां पर सारे नोटिफिकेशन आते रहते हैं, रिजल्ट भी आते रहता है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि अभी एचएससी का आया था। ठीक है, यहां जब वो फर्स्ट ईयर का सेकंड चांस का रिजल्ट 2022 वाला जब आया था उधर जनवरी फरवरी में, तो मार्च में शायद से, तो उसका भी रिजल्ट यहां पर डिस्प्ले होता था, वो सब आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हमें इसको करना है कट, ये नोटिफिकेशन बार को हटा देना। ठीक है, फिर हम चलेंगे भाई, यहां पर आएंगे भाई, आप मोर सर्विसेज पे क्लिक करना। ठीक है, जैसे आप मोर सर्विसेज पे क्लिक करोगे आपके सामने एक और ये बार आइकॉन हो जाएगा ओपन। ठीक है, जिनको नहीं समझा फिर से बता दूं कि भाई फिर से देख लो कि आपको सबसे पहले क्या करना है, गूगल पे एमपीबीएसई सर्च करना है। जैसे आप mpbse.nic.in सर्च करोगे गूगल पे, देख लो, फिर आपके सामने ये वेबसाइट आएगी, एमपी बोर्ड पे क्लिक कर देना। याद रखना ये सिर्फ गूगल क्रोम से खोलना, किससे खोलना, गूगल क्रोम से। ठीक है, जैसे आप ओपन करोगे आपके सामने ये ऐसा ओपन हो जाएगा, और ओपन हो जाएगा जैसे नोटिफिकेशन ओपन होता है, ऐसे नोटिफिकेशन आता है पहले से, तो पहले इस पे कट कर देना, इसको हटा दोगे। फिर मोर सर्विसेज का ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक करना, जैसे ही मोर ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपके सामने ये आइकॉन्स ओपन हो जाएंगे। तो यहां देखो यहां क्या लिखा है कि भाई एमपीबीएससी की कितनी प्रॉपर्टी है उसके बारे में जानना है, तो मेधावी छात्रों की उत्तर पुस्तिकाएं जाननी है, तो इसमें सिर्फ दसवीं बारी मिलता है, डीएलएड का नहीं डालते, और एग्जाम का टाइम टेबल भी यहीं से मिलता है, और मॉडल पेपर भी मिलता है आपको, जो मॉडल पेपर देखना है ये भी सिर्फ दसवीं बारी के लिए, डीएलएड का कुछ अपडेट ही नहीं इनका। और डीएलएड के रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, ये देख लो ये हमारे काम का है कि डीएलएड के जो रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट है उनके बारे में जानकारी यहां मिलेगी, तो इस पर क्लिक कर देना। फिर जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे फिर आपके सामने यहां पर खुल जाएगा, देखो ये ऑप्शन खुल जाएगा, तो यहां लिखा हुआ देख लो, आप यहां देख सकते हो माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश और इसके जो रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट उसके बारे में यहां पर लिखा हुआ है। देखो अभी मैं यहां पर जूम करके थोड़ा दिखा देता हूं आपको, रिन्यूअल एफिलेशन यानी किसने अपनी मान्यता फिर से रिन्यू कराई है, किस कॉलेज ने, है ना, ये पूरा यहां पर लिखेगा आपको, लिस्ट ऑफ पूरे कॉलेजेस की आपको लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो रिन्यूअल एफिलेशन डीएलएड गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल कॉलेज फॉर द सेशन 2023-24 में जिन जिन कॉलेजेस ने रिन्यूअल लिया हुआ है, जिन जिन कॉलेजेस ने मान्यता प्राप्त है, मान्यता दी एमपी बोर्ड, उनके नाम यहां पर आपको मिलेंगे, तो उस पर क्लिक कर दीजिए। तो मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा था, एक बार फिर से डाउनलोड अगेन का ऑप्शन आ रहा है, तो चलो फिर से डाउनलोड कर ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहां पर आप देखेंगे पूरा, यहां पर एक पूरी पीडीएफ ओपन हो जाएगी, पूरी लिस्ट ओपन हो जाएगी, जहां आपको देख लो यहां पर, ठीक है, आपको आपके कॉलेज का नाम, स्कूल कोड, स्कूल का एड्रेस, जिले का नाम, डिवीजन का नाम और उस कॉलेज का कोड, साथ ही साथ उसका भाई नाम, आप उसमें कितनी सीट्स अलॉट है वो भी, और कौन से सत्र के लिए मान्यता प्राप्त है वो भी, और मान्यता प्राप्त है कि नहीं, यहां पर देखो नवीनीकरण वो पूरा लिखा हुआ है। तो ये यहां पर आप देखोगे तो ये जो आपको दिख रहा होगा ये ग्वालियर का है। ठीक है, दिख रहा है ग्वालियर, डिवीजन ग्वालियर में आता है और इसका डिस्ट्रिक्ट मोरेना डिस्ट्रिक्ट, अगर किसी ने मोरेना में लिया है तो ऐसे ही आपको दूसरी जगह पर भी मिल जाएगा, देखो ये भी आपको ऐसे मिल जाएंगे, तो ऐसे पूरी लिस्ट मिलेगी आपको। तो आप जिस जिले में आपने एडमिशन लिया, आपका जो कॉलेज है उस कॉलेज के भाई आप डिस्ट्रिक्ट को ढूंढो। ठीक है, जैसे यहां पर सीओपुर डिस्ट्रिक्ट आ गया, सीओपुर, ठीक है, अब यहां पर कोई और डिस्ट्रिक्ट भी आएगा जैसे भिंड डिस्ट्रिक्ट आ गया, तो आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो ढूंढ लो भाई, देख लो ना आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट यहां से ढूंढ लेना। अब सब डिस्ट्रिक्ट का मैं बता नहीं सकता, इतने सारे डिस्ट्रिक्ट से नए नए जिले हैं भाई मध्य प्रदेश में और बने हैं, तो आपका जो भी जिला हो यहां से ऐसे ढूंढ लेना, पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी। और बाकायदा आप देखोगे ना तो यहां पर आपको स्कूल का कोड लिखा रहता है, आपका यहां पर ये भी है, जैसे आप सीटेट का फॉर्म भरते हो, एमपीटीटी का फॉर्म भरते हो ना, एमपीटीटी तो खैर छोड़ो, सीटेट का भरते हो, तो आपको यहां कॉलेज का कोड पूछता है, तो आपको कॉलेज कोड पता होना चाहिए। तो ये देखो यहां पर कॉलेज का ये दिया हुआ है,
यहाँ पर आप देखोगे कॉलेज का नाम दिया हुआ है और साथ ही साथ कितनी सीट है कॉलेज में भी दिखाए और कौन से साल के लिए मान्यता प्राप्त है ये भी लिखा हुआ है, ये ध्यान में रखना ठीक है। तो ये वीडियो आपके बहुत काम की है। जैसे ये देखो ये ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट का है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने ग्वालियर में एडमिशन लिया ही होगा ठीक है। तो ग्वालियर का देख लो, ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट है और स्कूल का ये हमारा कोड है, देखिए ये सीरियल नंबर, ये स्कूल का कोड है, ये स्कूल का कोड है। जैसे कि ग्वालियर का ये जिसने एडमिशन लिया है गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ठीक है, या जिसने प्रिंसटन कॉलेज में एडमिशन लिया हुआ है क्रिस्टन कॉलेज में, तो उसका भाई स्कूल का कोड ये है, यानी उसके कॉलेज का कोड ये है 142-01। यानी जब वो सीटेट का फॉर्म भरेगा, एमपीटीडी का फॉर्म भरेगा, तो वहां कॉलेज कोड को ऑप्शन पूछता है, तो आपको ये डालना पड़ता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कहां से आपका कॉलेज है। देखिए तो ये ग्वालियर वाले यहां सर्च कर लेना। तो ऐसे जितनी भी डिस्ट्रिक्ट होंगी उन सबका अलग अलग से ऐसे लिस्ट बनता है, ध्यान रखना उन सबका अपना लिस्ट रहता है, देख लो क्लियर है। तो इस तरह से आप ये ढूंढ सकते हो, आप खुद से घर बैठे अपने मोबाइल से जान सकते हो कि आपने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया है डीएलएड के वो कॉलेज मान्यता प्राप्त है या नहीं है ठीक है, क्लियर। तो आपको अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपको कुछ नया सीखने मिला हो, आपको हेल्प हुई हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही नोटिफिकेशन के लिए, ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए, डीएलएड का फुल कोर्स के लिए, नोट्स के लिए, वीडियो लेक्चर्स के लिए सब कुछ लॉन्च हो चुका है चैनल पर, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट चेक करें और हमें कॉन्टेक्ट करें तो आपको पूरा कोर्स ऑफर हो जाएगा। आप हमें व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको मिल जाएगा, नंबर आप देख लीजिए, वहां से आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, कॉल नहीं। वहां आपको पूरा डीएलएड का फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का पूरा फुल कोर्स मिलेगा, नोट्स, वीडियो लेक्चर्स और लाइव क्लासेस की जानकारी, वहां इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो वीडियो पसंद आई है तो जरूर देखिए, प्लेलिस्ट चेक करें और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलेगी। साथ ही साथ हमारे चैनल पर एमपीटीटी और सीटेट के कोर्स लॉन्च किए अभी हाल ही में हमने, तो एमपीटीटी और सीटेट का कोर्स ज्वाइन करना है उनमें से कोई भी, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं जहां लाइव क्लास, पीडीएफ नोट, वीडियो लेक्चर सब मिलेगा। कोर्स ज्वाइन करने वालों का अलग से ग्रुप बनेगा, उसमें जान सकते हैं। तो कोर्स की प्राइस की इन्फॉर्मेशन, बाकी सब इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए, इन्फॉर्मेशन लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास, सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन का ऑल पर रखें ताकि कोई जानकारी मिस ना हो, रिजल्ट, पेपर सब पहले मिले।